दोस्तों, क्या आपने अभी तक ईओई अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइन कलेक्टिंग स्टार्ट करेगा। मतलब जिन लोगों ने अभी तक ईओई अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उन्हें 400 ग्राम जुर्माना देना होगा और बीमा का भुगतान नहीं देने वाले को 200 ग्राम जुर्माना देना होगा। तो ये जुर्माना आप खुद ऑनलाइन मोहरे ऐप थ्रू कर सकते हैं या तो ईओ में जितने सारे बिजनेस सेंटर है बिजनेस सेंटर में जाके भी आप जुर्माना पे कर सकते हैं। ये मोहरे के तरफ से न्यू अनाउंसमेंट है। मतलब मोहरे ने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि आप मिनिस्ट्री जुर्माना मतलब जुर्माना कलेक्ट स्टार्ट करेगा और जुर्माना नहीं चुकाने पर न्यू वर्क परमिट इशू नहीं किया जाएगा। मतलब आपका जो वर्क वीज़ा या रेसिडेंसी वीज़ा है रिन्यू नहीं होगा या तो आपका न्यू वर्क परमिट इशू नहीं किया जाएगा। तो हर हाल में आपको जुर्माना देना होगा और जुर्माना नहीं देने वाले को सैलरी या एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट से डिडक्ट किया जाएगा। मतलब अगर आप खुद जुर्माना पे करते तो ओके, अदरवाइज आपका सैलरी या तो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट से आपका जो जुर्माना डिडक्ट किया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मतलब जिन लोगों ने अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या आपके ऊपर जुर्माना है तो आप खुद मोर ऐप थ्रू पे करें या तो किसी भी बिजनेस सेंटर में जाके आप जुर्माना पे कर सकते हैं। अदरवाइज आपका वर्क परमिट या वीज़ा रिन्यू नहीं होगा। थैंक यू।